नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षा कर्मियों, पैरा टीचर्स एवं मदरसा पैरा टीचर्स के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया। जी हां दोस्तों, ये खबर जो है वो राजस्थान से है और राजस्थान से ये बड़ी खबर जो है संविदा कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी के रूप में है। हम आपको पूरी खबर पढ़ के बताते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षा कर्मियों, पैरा टीचर्स एवं मदरसा पैरा टीचर्स के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षा कर्मियों, पैरा टीचर्स एवं मदरसा पैरा टीचर्स के मानदेय में को बढ़ाकर 16,900 रुपए कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ बीएड, बीटीसी एवं डीएलएड के शैक्षिक योग्यता वाले संविदा कर्मियों को दे होगा। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक एवं मदरसा पैरा टीचर्स का पदनाम संशोधित करके क्रमशः सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक एवं शिक्षा अनुदेशक कर दिया गया है। साथ ही इन सभी पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों को 9 वर्ष एवं 18 वर्ष की संविदा अवधि पूरी करने पर मानसिक मानदेय जो है वो क्रमशः 29,600 एवं 51,600 रुपए कर दिया गया है एवं पदनाम में क्रमशः ग्रेड 2 व ग्रेड 1 जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है। इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी संविदा कर्मियों को नए निर्धारित मानदेय से ज्यादा मानदेय रुपए दिया जाता है प्राप्त होता है तो उसके मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। इस निर्णय से राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत उच्चतर मानदेय एवं पदनाम मिलने से संविदा कर्मियों के लिए के एक बड़े वर्ग को लाभ मिलेगा। देखिए, इसमें इनकी जो है पदनाम को भी चेंज किया गया है। साथ ही साथ जो संविदा कर्मी 9 वर्ष की संविदा सेवा पूरा कर चुके हैं उनके मानदेय को बढ़ाकर 29,600 रुपए किया गया है और जो 18 वर्ष की संविदा सेवा पूरा कर चुके हैं उनके मानदेय को बढ़ाकर 51,600 रुपए कर दिया गया है। तो ये राजस्थान से न्यूज थी और ये बहुत बड़ी खबर है वहां के संविदा कर्मियों के लिए, क्योंकि उनके मानदेय में इतनी भारी बढ़ोतरी की गई है जिससे उनको बहुत अधिक लाभ भी मिलेगा। अब देखते हैं यूपी में इस तरीके की खबर कब सुनने को मिलती है। इससे संबंधित जो भी अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।